कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर एम्प्लॉय यूनियन पिछले 2002 से वहाँ ये लड़ाई लड़ रही थी कि मनीषाना वेतन वेज बोर्ड के जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से कि यद्यपि कि आप कई कंपनियां बनाकर चला रहे हो, लेकिन अगर अखबार एक ब्रांड का निकल रहा है, एक लैंग्वेज में निकल रहा है, एक सिटी से निकल रहा है, तो उसके तहत आपको सबों को एक वेतन मान देना होगा। डिप्टी लेबर कमिश्नर का ऑफिस हरकत में आया, उन्होंने इन तमाम कंपनियों से पूछा कि आपके यहाँ क्या है। इन लोगों ने बाजाबता लिख कर दिया, टाइम्स की चारों जो चार कंपनियां हैं, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड जो कि प्राइमरी एम्प्लॉयर है, और टाइम्स पब्लिशिंग हाउस, पर्ल प्रिंटवेल लिमिटेड, एक्सेल पब्लिशिंग हाउस, ये तीनों जो कंपनियां उसकी जिस जो अपने को एंसिलरी कंपनीज कहती हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा कि हम जर्नलिस्टों को क्लास टू का ग्रेड दे रहे हैं वेतनमान का, और नॉन जर्नलिस्टों को क्लास सिक्स का वेतनमान दे रहे हैं। ये उनका लिखित जवाब था। उनके कन्फेशन से ही, उनके जवाब से ही ये स्पष्ट हो गई कि बातें कि वहाँ मनीषाना वेज बोर्ड के मुताबिक वेतनमान नहीं दिए जा रहे हैं। तो फिर उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, बिकॉज यू हैव कमिटेड ए क्राइम। ए ट्रिपार्टाइट वेज बोर्ड अवार्ड होता है, दिस इज ए स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड अवार्ड। ये भारत के अंदर शायद ये एकमात्र वैधानिक वेज बोर्ड अवार्ड है, वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत ये गठित होता है, इसको होना चाहिए हर तीन साल पर, तो नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी है, इसका माना ही जाना है, इसमें कोई च्वाइस नहीं है। तो उसके खिलाफ दो तरह के मुकदमे बने। एक तरफ यूनियन ने बिहार शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत बकाए वेतन की रिकवरी के लिए अपना क्लेम दायर किया सक्षम पदाधिकारी के नजदीक, डिप्टी लेबर कमिश्नर पटना के पास। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट का आर्टिकल 16 एंड 17, ये राइट, ये फोरम चुनने का राइट और ये किसके तहत वो अपना रिकवरी करेंगे वो देता है वर्कर को। उसके तहत हम लोग, चूँकि वो मोर बेनिफिशियल था, उसमें 10 times पेनल्टी थी, जिसके तहत हम लोग बिहार शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में गए। BSA एक्ट में हमने दावा दायर किया रिकवरी के लिए। हमारे दावे के खिलाफ कि साहब इनका दावा, ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत ही जा सकते हैं और BSE एक्ट इन पर लागू नहीं होगा, इसके तहत उन्होंने रिट दायर किया। कंपनियों ने अलग अलग रिट दायर किया, और उसमें रिट में भी और LPA में भी यूनियन हारती चली गई। लेकिन 2009 के दिसंबर में उस रिट और LPA में जो हम हारे, चूँकि हम ये समझते हैं कि हाई कोर्ट ने गलत निर्णय दिया, तो हम पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, और कहा तो ये जा रहा था कि साहब सुप्रीम कोर्ट में चूँकि दो बार हार चुकी है यूनियन, इसलिए एडमिट ही नहीं होगा केस। लेकिन हमारा केस एडमिट हुआ, चीफ जस्टिस के कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस थे KG बालकृष्णन जी और सदाशिवन थे, इनके बेंच ने सुनवाई करी और वो हमारा केस एडमिट हुआ। वो केस जो है 34045 of 2009, और ये केस है एम्प्लॉयज थ्रू ऑफिशियल्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर। तो ये इसमें पिछली बार इसको कहा गया कि ये तकरीबन, ये आपको बात है 19/11/2010 में इस
फिर सुनवाई हुई और ऑर्डर हुआ पोस्ट फॉर फाइनल डिस्पोजल। अकॉर्डिंगली इट वॉज फिक्स्ड, द नेक्स्ट डेट वॉज फिक्स्ड ऑन 21 फरवरी 2011 दिस ईयर। ये 2011 के 21 फरवरी को सुना जाना था। हम लोग दिल्ली पहुंच गए, अचानक हमने देखा कि भाई वो उसका डेट जो है और सुप्रीम कोर्ट के का जो वेबसाइट है उसमें अचानक हमने देखा कि पाया कि वो 31 अक्टूबर चला गया। उधर जो इनका जो उसका जो क्रिमिनल पार्ट ऑफ द क्राइम है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनीषाना वेज बोर्ड, उसके में डिपार्टमेंट ने डिप्टी लेबर कमिश्नर की ओर से प्रोसिक्यूशन का मुकदमा पटना के अंदर दायर हुआ। ये अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, इसमें चारों कंपनियों के खिलाफ, मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, मेसर्स टाइम्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, मेसर्स एक्सेल पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड एंड मेसर्स पर्ल प्रिंटवेल लिमिटेड, इन चारों कंपनियों के खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वहाँ दायर हुआ। हम लोगों को नहीं पता था कि इसमें क्या मामला है नहीं है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के बारे में हम लोग अपना रिकवरी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें MSLP में सुप्रीम कोर्ट में पहले से पहुँचे हुए थे 2009 में ही। अचानक जो है इसमें वो लोग इस 322M जो दायर हुआ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ वो उन्होंने अपील कर दी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में। तो पटना हाईकोर्ट ने अलग अलग, इन्होंने सभी कंपनियों ने अपने को अलग डिक्लेयर करते हुए कि हम लोग सेपरेट कंपनी है, सेपरेट आइडेंटिटी है, उन्होंने वो अलग अलग दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने उन सबों को एक ही साथ बैच कर दिया। बेनेट कोलमैन का वो क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 12876 ऑफ 2004 है, टाइम्स पब्लिशिंग हाउस ने जो दायर किया था वो मुकदमा अलग से वो था क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 14046 ऑफ 2004, एक्सेल पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड ने किया था उसका है क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 14344 ऑफ 2004, और पर्ल प्रिंटवेल लिमिटेड ने जो किया उसका क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 14624 ऑफ 2004। ये अलग अलग मुकदमे उन्होंने पटना हाईकोर्ट के अंदर दायर किए, इन सबों को बैच कर दिया गया और जस्टिस अखिलेश चंद्रा ने ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर पास किया इसको सबको एक साथ बैच करते हुए क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 12876 ऑफ 2004 के तहत जो बेनेट कोलमैन के है उसके तहत इन सारे केसेस को बैच करते हुए सबों को एक मानते हुए उन्होंने ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में उनकी पूरी कथा लिखी हुई है कि कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े ग्रुप किस तरह से आप ये कहिए कि अपने वर्कर्स का हिस्सा वाजिब मजदूरी कैसे पचा जाते हैं, खा जाते हैं और उसके खिलाफ कुछ हो नहीं पाता है, इसकी पूरी कथा है। ये अपने आप में महाकाव्य है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अखिलेश चंद्रा का ये जजमेंट है, इसे स्केचिंग जजमेंट, और इसमें जो है ना वो पूरी कहानी है जो मैंने अभी आपको बताया कि मनीषाना वेज बोर्ड अवार्ड वो कैसे एक्सप्लेनेशन करता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज दैट इज द पार्ट 3 चैप्टर 1 क्लॉज 2-3 ऑफ मनीषाना वेज बोर्ड अवार्ड, वो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको उन्होंने कोट किया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इफ देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑब्लिक ब्रांचेस ऑब्लिक कंपनीज ऑफ वन क्लासिफाइड न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट इन वन टाउन और सिटी एंड एडजॉइनिंग एरिया इवन दो कैरिंग डिफरेंट नेम्स will be treated as one single unit of that newspaper establishment. Para number 11, Justice Akhilesh Chandra's order says, the above materials are prima facie sufficient to establish that all the three establishments under names and style, first Messrs. Times Publishing House Limited, Messrs. Pearl Printwell Limited, and Messrs. Excel Publishing House Limited are the units of one establishment, Messrs. Bennett Coleman and Company Limited, having different names for internal convenience. Iska para 12 mein kaha gaya hai, the submissions of learned counsel
for the petitioners that if at all there is any violation of the provisions of Working Journalist and Other Newspaper Employees Act 1955, they may be liable to be penalized under Section 18 of the Act, but not for the offences under which cognizance has been taken. As stated above, the provisions of Industrial Disputes Act 1947 is prima facie applicable in the instant case, and whether any offence have been constituted under Section 18 of the Act is left to be decided by the trial court at the time of hearing on the point of charge or at any appropriate stage. और ये आगे कहता है ऑर्डर, द ट्रायल कोर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रायल कोर्ट विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑर्डर टेकिंग कॉग्निजेंस फॉर ए पर्टिकुलर ऑफेंस, इफ फाइंड फिट मे प्रोसीड विद ट्रायल फॉर अदर ऑफेंसेज ऑल्सो इफ मेड आउट आफ्टर फ्रेमिंग प्रॉपर चार्जेस। और ये इसको डिसमिस कर देता है ये ऑर्डर इनके सारे पिटीशंस को, कि दस फाइंडिंग नो मेरिट all the four petitions are hereby dismissed and the court below is directed to proceed expeditiously and decide the case on its own merit without being prejudiced of instant non-interference. So this is the high court order. Trial court mein toh ye mein gaya order, uske khilaaf ye log SLP mein phir alag alag aaye. Sare cases ko yahan bhi बैच कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे केसेस को बैच करके सुना और 5 जनवरी को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुरेंद्र सिंह निज्जर की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन का ऑर्डर पास किया, इशू नोटिस स्टेटस को एज ऑफ टुडे शैल बी मेंटेन्ड। इसका मतलब है कि 5 जनवरी को जो स्थिति थी वो स्थिति रहनी चाहिए, उस स्थिति में कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत भी ये है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट, अब जिस लेवल पर भी हो, सुप्रीम कोर्ट लेवल से लेकर के नीचे, कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट देयर कुड बी नो चेंज इन द सर्विस कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। आप न बंद कर सकते न खोल सकते, वो अगर जो है वो जैसा है वैसे ही रहेगा, उनके सर्विस कंडीशन में आप चेंज नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी बोलता है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी बोलता है और ये कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ने जो ऑर्डर दिया उसको ताक पर रखते हुए, उसको ठेंगा दिखलाते हुए, ये जो कॉरपोरेट सिटीजन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस का, इन्होंने उसको ये करते हुए 15 तारीख को कुम्हरार स्थित अपना प्रिंटिंग प्रेस पटने के अंदर जो उनका था उसको बंद कर दिया। अटर कंटेम्प्ट है, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज एन अटर कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यो अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ये हमारी कंपनी नहीं मानती। यही दौर लगा रहे हैं पिछले 2002 से 2011 चल रहा है, लास्ट होने पर है 9 सालों से। इस दौर में वो कितने खेत रहे, कितने बच्चियों की शादी रुक गई, कितने लोग मर गए, वो सारा हमने लिस्ट बना कर रखा हुआ है। कितने लोगों को फर्जी चार्जेस पर कंपनी ने निकाल दिया। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है कि साहब हम किसी भी हालत में, इवन मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी अगर नौकरी से निकालने की नौबत आएगी किसी को, तो हम नहीं निकालेंगे नौकरी से, वो नौकरी बनी रहेगी उनकी। लेकिन ये सारे वो उनके लिए वो कस्में वादे प्यार वफा की तरह हैं कि वादे हैं वादों का क्या।